बदायूं में सरेराह मंचले की पिटाई हुई है। छात्रा ने मंचले को 20 सड़क पर पीटा है। बदायूं में सरेराह मंचले की जोरदार धुनाई हुई। एक छात्रा ने मंचले को सड़क पर पीट दिया। मंचला छात्रा को बार बार परेशान करता था। उसके जो वीडियो आप के बाद आपको यह भी बता दें कि मंचले की पिटाई का जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। ट्यूशन जाते वक्त छेड़छाड़ करता था मंचला। मंचलों के आगे नतमस्तक हुई है बदायूं पुलिस। मंचला ट्यूशन जाते समय छात्राओं से छेड़खानी करता था और गंदे गंदे कमेंट्स करता था, जिसकी शिकायत छात्रा ने परिजनों से की। छात्रा से छेड़छाड़ करते समय रंगे हाथों उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद छात्रा ने उसके परिजनों ने जमकर पीटा। मंचला छात्रा के पैर छूकर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो। छात्रा ने मंचले को भी सड़क पर पीटा। अक्सर कर वो उसको स्कूल जाते समय छेड़खानी करता था। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि मंचलों के आगे बदायूं पुलिस नतमस्तक है। प्रशासन बार बार दावे करता है कि महिलाओं से छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभियान शुरू करते हैं। महिला सुरक्षा है, इसके साथ ही मिशन शक्ति का भी आगाज किया गया। लेकिन उसके बावजूद ही मंचलों के हौसले इस कदर बुलंद है कि छेड़खानी की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते और इस तरह के मंचलों में प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता है। छात्रा को अक्सर कर आने जाने में छेड़खानी करता था, उस पर पप्तियां कसता था। लिहाजा छात्रा ने परिजनों से इसकी शिकायत की। इसके बाद छात्रा ने उसकी धुनाई कर दी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मंचला पैर छूकर छात्रा से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता हमसे जुड़ गए हैं। पंकज, प्रशासन बार बार दावे करता है कि मंचलों पर लगाम लगाई जाएगी, मिशन शक्ति जैसे अभियानों का भी आगाज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मंचलों का छात्राओं को छेड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर जो ये वायरल वीडियो हो रहा है ये तो यही बयां करता है। जी मैं आपको बता दूं, एंटी रोमियो टीम और तरह तरह की टीम बना रखी है, लेकिन उनके कोई भी फायदे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सरेआम एक ट्यूशन जा रही छात्रा को एक लड़के ने छेड़छाड़ की। ये तो गली में समझो कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, फिर पैर छूने लगा उस छात्रा के। उसके बाद जो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने छात्रा से माफी मंगवा दी, इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन जो दावे किए जाते हैं वो सब फेल नजर आ रहा है। एंटी रोमियो की टीम फेल नजर आ रही है, लेकिन अब इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। जी लिहाजा इस मामले में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुकदमा कोई दर्ज किया गया है या मंचले को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है? अभी यहाँ पर आसपास के राहगीरों ने मामले को रफे दफे करा दिया। छात्रा से उस लड़के ने माफी मांग ली, पैर छोड़ लिए थे, इसलिए उस मामले को पूरे को रफा दफा करा दिया गया है, लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।